हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021 पे। तो गाइस, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 301 की यूनिट नंबर 3, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अर्थात पादप वृद्धि हार्मोन्स। ठीक, इन लोगों को पढ़ने वाले हैं। आज हमारी क्लास 3 है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर के आप वीडियोस में जाकर के आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर 3 है। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से आता है जिबरेलिन्स फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है तो थोड़ा सा टाइम न मिल पाने की वजह से वीडियोज़ जो है काफ़ी लेट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जेबलिंस, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में जेबलिंस के इसको दे देना है। ठीक है, जेबलिंस के बारे में आपको लिख देना है, जो जैसा है उसको लिख देना है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर जेबलिंस की खोज के बारे में, ये सब इंट्रोडक्शन में रहेगा। फिर इसकी रासायनिक संरचना दे देनी है। ठीक है, फिर उसकी रासायनिक प्रकृति है। सेम इसी तरह सभी जितने भी टॉपिक हैं आपको इतना लिख देना है। और इनके जैसे अपन लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ा है ऑक्सीजन के बारे में, सेम उसी तरह इसको भी पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर जिबरेलिन्स के यूज, फिर अपना फिर आ जाता है साइटोकाइनेस। ये काफ़ी छोटा है, सबसे अधिक जो होता है अपना ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन में थोड़ा सा बहुत डिटेलिंग देनी पड़ती है। और इसके आप कर बोला जाए तो अभी दोनों पढ़ लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक इनके डिफरेंस को पता चल जाएंगे। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं अपने से, और यदि हो तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। ये अपना इसको इसी तरह से मुझसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में इसको सब दे देना है, इसकी खोज वगैरह दे देना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दे देनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं साइटोकाइनिन कार्य के प्रभाव दे देना है। ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, और इसके आपको डायग्राम जरूर बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं मतलब जिसके उपयोग चल रहे हैं ना, इस उपयोग में इसके अंदर आता है साइटोकाइनिन के उपयोग। साइटोकाइनिन के उपयोग को इतना है, इसको आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर आता है एथिलीन। एथिलीन इसको पढ़ लेना, इसका क्या रासायनिक प्रॉपर्टी है और इसका इफेक्ट क्या है और इसकी यूज़, इनको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आज ये अपनी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो है लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो इसमें से ये एथिलीन के उपयोग हैं। और एप्सिकम्ल क्या आता है, एप्सिकम्ल के बारे में सेम इस तरह लिख देना है। तो हमारे पास आपको दिख रहा होगा, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर ये एप्सिकम्ल का उपयोग हो गया। अब इसके बाद आते हैं वृद्धि नियामक हार्मोन्स का नियंत्रण क्रिया। तो यहाँ पास ये उनके बीच में क्या क्या क्रियाएँ होती हैं इसके बारे में लिखा है। और द्वितीयकालिता तो वसंतीकरण, द्वितीयकालिता जैसे कोई इसी तरह है जैसे कोई प्लांट है वो अपने टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है या अपने आप को कुछ परिवर्तन ला देता है, जैसे फूल खिलना और है ना, तो सीजन के अनुसार जो होते हैं उन्हें द्वितीयकालिता बोलते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि हमारे आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जो हमारी क्लास नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखी तो आप क्लास नंबर फर्स्ट और सेकंड देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।